नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र, मैं आपका दोस्त अभय कुमार। तो आज मेरे हाथ में है पटना से निकलने वाली अखबारें, अखबारों की प्रतियां हैं। आज 19 दिसंबर 2020 है, तो हम बात करते हैं आज की अखबारों की सुर्खियां की, क्या छपा है, क्या छिपाया गया है, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी। तो इस तरह के विश्लेषण के लिए आप, मैं प्रतिदिन आऊँगा। अगर आप इस विश्लेषण को देखना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पसंद आए तो पोस्ट को लाइक कीजिए। तो हम आज नज़र डालते हैं आज के अखबारों पर। लगभग सभी अखबारों ने बिहार में जो स्कूल बंद थे एक साल से लगभग, उसकी खुलने की खबर सभी अखबारों ने अपना हेडलाइन बनाया है। स्कूल कॉलेज और कोचिंग की कक्षाएं 4 जनवरी से खुल जाएंगे, सारे स्कूल खुल जाएंगे। पहले चरण में विद्यालयों में 9वीं से 12वीं तक कॉलेजों में अंतिम वर्ष की कक्षाएं चलेगी। 18 जनवरी से 9वीं से नीचे की कक्षाएं खुल सकेगी, पर सरकार पहले समीक्षा करेगी। आपको बता दें कि पूरे बिहार में 80,000 सरकारी स्कूल हैं, 30,000 के करीब निजी स्कूल हैं और 500 महाविद्यालयों की संख्या है प्रदेश में। 50% विद्यार्थी एक दिन में आएंगे, ऐसा नियम बनाया जा रहा है, इस पर विचार हो रहा है। जो मुख्य सचिव ने जो साफ किया है, बता दें कि मुख्य सचिव ने यह भी साफ किया कि जो भी कक्षाएं चलेगी वहां एक दिन में 50% विद्यार्थी आएंगे। किसी भी कक्षा में अगर 50 विद्यार्थी हैं तो उनमें से 25 ही एक दिन में आएंगे, 25 दूसरे दिन आएंगे। रोटेशन सिस्टम से वो चलेगा, रोल नंबर से चलेगा, इवन नंबर ऑड नंबर से चलेगा, जैसे दिल्ली में जिस प्रकार से गाड़ियां प्रदूषण को बंद करने के लिए चलती थी। और अखबारों ने देखिए, प्रधानमंत्री और किसान आंदोलन चल रहा है, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि न मंडियां बंद होगी न एमएसपी। प्रधानमंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया है कि मंडियां न बंद होगी और न एमएसपी बंद होगा। पहले जैसे खरीदारी होती थी अनाजों की, वैसे होती रहेगी। और किसान आंदोलन के लिए एक बड़ी खबर है, किसान आंदोलन किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो बाइट है, जो भाषण है और जो उनका बयान है, मैं पढ़ के सुना चाहता हूँ। किसान नए कानून को समझे, मेरे कहने के बाद भी शंका है तो हम सिर झुकाकर विनम्रता से बात करने के लिए तैयार है। किसान हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती के मौके पर फिर किसानों से बात करूँगा। एक और बहुत अच्छी खबर है बिहार के लिए, बिहार क्या पूरे देश के लिए, जिस जो 2020 हम लोगों ने पूरा कोरोना के कारण करीब करीब 2020 को हम भूलना नहीं चाहेंगे। कोरोना के कारण मेरा हम लोगों का यह वह साल बर्बाद हो गया। तो बिहार के लिए अगर बात करते हैं हम बिहार की, तो बिहार में मुख्यमंत्री ने बोला है कि बिहार में पोलियो के तर्ज पर लगेगा कोरोना का टीका। कोरोना का टीका जो है, से पोलियो के तर्ज पे घर घर जाके लगाया जाएगा। पोलियो का टीका जैसे पड़ता है, घर घर स्वास्थ्यकर्मी जाते हैं और टीका लगा देते हैं। लेकिन इसमें एक विरोधाभासी खबर भी है जो केंद्र सरकार से आ रही है, केंद्रीय मंत्रालय से आ रही है। टीका लगवाना इच्छा पर निर्भर करेगा, मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के टीके खुराक लेना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करेगा। भारत में बना टीका भी दूसरे देशों में विकसित टीके जितना ही कारगर होगा। तो जहां बिहार सरकार कह रही है कि पोलियो के तर्ज पर हर व्यक्ति को हम टीका लगाएंगे, हर नागरिक को टीका लगाएंगे, वहीं मंत्रालय का बयान है कि टीका व्यक्तियों के इच्छा पर निर्भर करेगा। उन्होंने एक लाइन और जोड़ा है, संक्रमित हो चुके लोग भी टीके की पूरी खुराक अवश्य लें। तो एक खबर फिर देखते हैं, दूसरे अखबारों पर नजर डालते हैं। करीब करीब सभी अखबारों ने, बिहार से निकलने वाले सभी अखबारों ने, 4 से खुलेंगे स्कूल कॉलेज और कोचिंग। जो स्कूल खुलने का जो खबर है उसको बहुत प्रकाशित किया है, प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और ये जो कोरोना का टीका का भी है, वो भी मतलब बहुत प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। तो ये थी आज की बिहार की खबर है। लेकिन एक प्रधानमंत्री का जो किसानों को जो उन्होंने आश्वस्त किया है कि एमएसपी जारी रहेगी और कि कृषि कानून से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है नए कृषि कानून आने से,
अब देखिए, शिक्षकों शिक्षक नियोजन में एक बड़ी खबर है बिहार के लिए, क्योंकि कोरोना काल में 2020 में नौकरियां तो घटी थी और शिक्षक का नियोजन भी रुका था, लेकिन एक बड़ी खबर शिक्षकों के लिए है। फर्जी प्रमाण पत्र मिलने पर 1,100 से अधिक प्राथमिकी, शिक्षकों का जांच हो रहा है, प्रमाण पत्र का जांच हो रहा है, जिसमें 1,061 शिक्षकों का जो है जो प्रमाण पत्र है जो फर्जी पाएगा, उन पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। लेकिन प्राथमिक शिक्षकों को नियोजन 3 चरणों में होगी काउंसलिंग, जो 94,000 जो शिक्षक नियोजन की बहाली निकली है उसका 3 चरणों में हो जाएगा। लेकिन एक खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पंचायत चुनाव से है। पंचायत चुनाव से खबर आ रही है कि ईवीएम से ही होगा पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव जो आने वाली है, जो समझिए कि ग्रामीण भारत, ग्राम स्वराज का महात्मा गांधी का सपना था ग्राम स्वराज का, उसमें थोड़ा सा और सुधार लाया जा रहा है। और खबर यह है कि ईवीएम से ही होगा पंचायत चुनाव, इस बार ईवीएम से ही पंचायत चुनाव कराया जाएगा। इस पे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम से पंचायत चुनाव कराए जाने और इसके लिए करीब 450 करोड़ के बजट का प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। आयोग ने करीब पंचायत चुनाव को लेकर करीब 300 करोड़ का प्रस्ताव सरकार को भेजा था। इसमें माना जा रहा है कि 125 करोड़ रुपए पंचायत चुनाव के लिए मल्टीपोस्ट ईवीएम की खरीद पर खर्च होंगे। आधिकारिक सूत्रों की माने तो पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम की खरीद पर उच्च स्तरीय स्वीकृति का अनुमोदन मिल गया है। तो ये थी बिहार की और देश की खबरें, लेकिन डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर नज़र हम डालते हैं जो जानना जरूरी है आपके लिए। हम नज़र जब डालते हैं तो बिहार से जो खबरें हैं तो वो विकास की खबरें तो सब जगह हैं, कैसे बाईपास पर प्रखंडों के लिए नई सड़क बनाने की मांग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हृदय उपचार की व्यवस्था को और बेहतर बनाए। लेकिन एक जो और जो खबर जो आ रही है, जो विदेशों से विदेश देश विदेश की खबरों में हम देखते हैं कि देश विदेश का क्या हाल चाल है, क्योंकि जानना वो जरूरी है। तो हम इसमें अगर डालते हैं नज़र तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बहुत बड़ा बयान आया है कि मिसाइलों से अधिक हो गई मोबाइल फोन की मारक क्षमता। अभी जो दौर चल रहा है टेक्निक का दौर चल रहा है, सूचना का आदान प्रदान का दौर चल रहा है, सूचना का चोरी का दौर चल रहा है, साइबर अटैक या जो डेटा का जो डेटा की जो लड़ाई चल रही है, उसमें मोबाइल फोन जो है तो वो मिसाइल से ही भी ज़्यादा घातक हो सकती है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि विभिन्न देशों के बीच संघर्ष में जाहिरा तौर पर सोशल मीडिया का प्रभाव का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि अब मोबाइल फोन की मारक क्षमता मिसाइलों से भी कहीं ज्यादा हो गई है। रक्षा मंत्री वार्षिक सैन्य साहित्य महोत्सव को संबोधित करते हुए आगाह किया। देखिए, हम लोग जो मोबाइल फोन, जो सोशल मीडिया है, कभी कभी होता है बहुत सी सेंसेटिव बातें जो मोबाइल सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर देते हैं, चाहे हम अपने देश की बातें पोस्ट करते हैं, तो जितने भी दूसरे देश के जो आईटी के एक्सपर्ट होते हैं उस पर नज़र रखते हैं। उससे पता चलता है कि इस देश के नागरिकों का मिजाज क्या है, सरकार से कितनी नाराजगी है, और उस पे फिर उसके बाद वो अपनी रणनीति बनाते हैं। या फिर मार्केट की बात हो तो सोशल मीडिया, लोग सोशल मीडिया पे अपने भाव व्यक्त करते हैं, उससे पता चलता है कि इनके ज़रूरत क्या है, और उससे फिर मार्केटिंग, उसे बिजनेस प्लान करते हैं। तो कहा जाता है किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर ध्वस्त कर दिया जाए और अगर उनके नागरिकों के दिमाग पर कब्जा कर लिया जाए तो वो सबसे बड़ा जीत होगी जो मिसाइल से नहीं हो सकता है। एक अमेरिका से खबर है, ट्रंप प्रशासन की वीजा नीति बदल ली जाए। 60 सांसदों का समूह ने अमेरिका के ट्रंप प्रशासन का जो वीजा नीति था उसको बदलने का आग्रह किया है। तो एक H-4 वीजा धारकों के दस्तावेज की वैधता की समय सीमा बढ़ाई गई। ट्रंप प्रशासन ने अपनी वीजा नीति में बदलाव किया था जिससे थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाया था, लेकिन जो नई सरकार आई है, धीरे धीरे सत्ता हस्तांतरण हो रहा है अमेरिका में, तो उन्होंने वीजा नीति में बदलाव की बात कह रही है। तो दोस्तों, ये थी आज 19 दिसंबर की प्रमुख खबरें।
और इस तरह से हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल पे बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद।